बेटा अभी जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस का फोर्थ पॉइंट पढ़ा, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस, देखिए इसका एग्जांपल भी दिया गया है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट रैपिडली चेंजेस बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कि जैसे जैसे आज के टाइम में हमने देखा कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, अब कॉम्पिटिशन बढ़ने से जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने से अच्छी जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है कस्टमर को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी उन्हें मिल रही है कॉम्पिटिशन बढ़ने का, तो इससे जो कस्टमर हो रहे हैं आज के टाइम में वो क्या हो रहे हैं, ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर हो रहे हैं आज के टाइम में। तो इसके लिए बिजनेस जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में उसको क्या करें, वो अडेप्ट करें, एक्सेप्ट करें। तभी क्या होगा, अगर वो उसे अडेप्ट और एक्सेप्ट करेंगे तभी वो मार्केट में क्या होंगे, मार्केट में टिक पाएंगे, ठीक है, और तभी वे मार्केट का जो बिग शेयर है वो ग्रैब कर पाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे हम फ़ोन की बात करें ना, पहले कैसे फ़ोन चलते थे, ब्लैक एंड वाइट है ना, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन थे, और उसके बाद जो चेंज हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुई, कैसे आए, टच स्क्रीन फ़ोन आने शुरू हुए। तो अब जो टच स्क्रीन फ़ोन है इसमें और ज़्यादा जैसे ज़्यादा फीचर्स है वो और कंपनी ला रही है। जैसे पहले नोकिया अगर उसकी बात करें, सैमसंग की, पहले जो उनके फ़ोन थे उसमें इतनी जो फीचर्स थी वो नहीं थी ना, इसलिए जो उनका अगर हम बात करें जो उनका मार्केट शेयर है वो क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होता चला गया। अब इसके भी आप अगर हम देखें MI वगैरह जो कंपनीज अपना फ़ोन लेके आ रही है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई फीचर ऐड कर रही हैं। अब कस्टमर किस तरफ जा रहा है, कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहा है, ठीक है। अब कस्टमर कौन से फ़ोन ले रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, अब कस्टमर और क्या हो रहा है, और डिमांडिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो फीचर्स ले रहा है कस्टमर, उसे फीचर्स जो है उसे अवेलेबल हो रही हैं, उसके भी आप वो चाहता है कि फ़ोन में अब मुझे ये फीचर भी मिले, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इसी बेस पे कहा गया कि जैसे मोर डिमांडिंग कस्टमर है तो जैसे इसके अकॉर्डिंग जो रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या करें, जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें एडजस्ट होए और उन्हें अडॉप्ट करें, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट पेज पर, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखिए अगर हम बात करें उसकी, अगर हम बात करें प्लानिंग की, हमने पहले ही पढ़ा था कि बिजनेस एंटरप्राइज को कोई भी अगर मैनेजमेंट के थ्रू वो सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान करके ही वो क्या करते हैं, प्लान करके ही क्या होता है, वे आगे बढ़ते हैं, ना प्लानिंग करते हैं। तो अगर हम बात करें असिस्टिंग की, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, देखिए तो इस पॉइंट के थ्रू कि अगर हम कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो प्लान और पॉलिसीज बनाते समय अपनी ऐसे प्लान बनाएंगे कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो ग्रैब कर सके और थ्रेट से नहीं पड़ सके ना। अगर हम ही बात करें अपनी, अगर हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई प्लान और पॉलिसी बना रहे हैं तो हम ऐसे प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हम जो है अपॉर्चुनिटी को, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पर मिल रही है, हमें लगता है कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल है ये चीज़, तो हम उसको ग्रैब कर सकें उस अपॉर्चुनिटी को, और जितने भी थ्रेट्स आ रहे हैं, समस्याएँ, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें एडजस्ट कर सकें, हम अपने इन थ्रेट से निपट सकें। तो ऐसे प्लान और पॉलिसीज जब हम बना पाएंगे, हम तभी इनको बना पाएंगे जब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे। हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं प्रॉपर स्कैनिंग के थ्रू, उन्हें ऐसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तभी जो है हमारी प्लान और पॉलिसी हम ढंग से बना पाएंगे ना। अगर हम प्रॉपर स्कैनिंग जो है एनवायरनमेंट स्कैनिंग हम कर रहे हैं और उसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे ना, क्या है, क्या कंडीशन है, नहीं कर पा रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, कौन सी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हम उठा सकते हैं उस टाइम पर, और कौन से थ्रेड्स जो हैं वो आ रहे हैं जिनसे हमें संभलना है। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम अपने प्लान्स और पॉलिसीज फिर कैसे बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग हम असिस्ट नहीं कर पाएंगे है ना, उन प्लान और पॉलिसीज को। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्जाम्पल है कि ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट वी फाइंड देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन अवर कंट्री, सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज, वेरियस होटल्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ITC ग्रुप आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर टूरिस्ट। एग्जाम्पल किसका दिया गया, टूरिस्ट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया गया कि आप देखिए
जो लोग हैं, जो अगर हम अपने इंडिया के अंदर बात करें, लोग क्या आप ज़रा जैसे कि इनकम वगैरह, लोगों की इनकम इस हिसाब से आज के टाइम में कि वो अपनी इनकम के थ्रू अपनी जो उनकी जो जनरल जो रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो उनका एक्स्ट्रा है लाइक एंटरटेनमेंट उसको भी वो पूरा कर रहे हैं आज के टाइम में, है ना। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, स्कैन किया गया जब, तो ये पाया गया कि आज के टाइम में टूरिस्ट इंडस्ट्री का जो अगर बात करें हमारी कंट्री में, स्कोप बढ़ रहा है ना, काफ़ी स्कोप हो रहा है। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या प्लान कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी कि वो जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिजनेसमैन है ना। उन्होंने कोशिश की कि हम इसी जो बिजनेसमैन है जो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हम इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने बिजनेस को क्या कर सके, इसी अकॉर्डिंग प्लान कर सके, असिस्ट कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को उसी अकॉर्डिंग प्लान बना सके अपने बिजनेस के लिए ना। वेरियस होटल्स और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स ने कहा, जितने भी होटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के और जो ITC ग्रुप के हैं, वो क्या कर रहे हैं इसी यानी टूरिस्ट से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, अपनी न्यू स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बना रहे हैं ताकि जो अपने बिजनेस के लिए उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब कर सके। देर इज़ ए सेपरेट ट्रैवल सेगमेंट सेटअप एंड सेपरेट लीजर एंड फन सेगमेंट इज सेटअप टू गेट द बेनिफिट ऑफ अपकमिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री। अब इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक सेपरेट जो ट्रैवल सेगमेंट है वो सेटअप कर रहे हैं अपना, और जो सेपरेट लीजर एंड फन सेगमेंट है, लीजर का मतलब क्या हुआ, कुछ भी इंजॉय करना, छुट्टियों में जाना, तो ये चीज़ें जो हैं इसके लिए, और एक फन सेगमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं अपना नया सेपरेट सेगमेंट बना रहे हैं ना, ताकि जो इन्हें इन फ्यूचर और टूरिस्ट इंडस्ट्रीज का जो स्कोप बढ़ रहा है उसका वो जो बेनिफिट है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हें, उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो वो इस पॉइंट के थ्रू यही एक्सप्लेन किया गया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके थ्रू प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, स्कैन करके जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के उसके अकॉर्डिंग ये प्लान और पॉलिसीज को असिस्ट किया जा सकता है, ठीक है, जिससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड ग्रोथ की जा सके। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब देखिए हम बात करें कि हम अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, अपने जो प्लान बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, हम जो अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने प्लान स्ट्रेटेजी हमें जो बना रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस लेवल अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। प्रॉपर जब स्कैनिंग हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो कंपनीज क्या कर रही हैं, ईजिली आसानी से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पा रही हैं ना, आसानी से वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को, जब उन्हें पता है कि हम प्रॉपर हमें पता है कि हमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे लिए क्या अच्छे अवसर हैं, है ना, और किससे हमें हमारी जो बेनिफिट्स हैं हमारे हमें मिल सकता है प्रॉफिट बेनिफिट्स, और जो हमारी समस्याएं थ्रेट्स हैं जिनको उनको हम उनसे निमट सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को, उनकी एफिशिएंसी लेवल है वो भी बढ़ पाएगा। कल यही इसमें बताया गया है, कल क्या ना, विद कॉन्टिन्यू स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कंपनीज कैन ईजली इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस ना, प्रॉपर स्कैनिंग के थ्रू वो जब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अपने एनवायरमेंट को, तो इससे क्या होगा, ईजली आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को बाई मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। वो क्या कर पाएंगे, इससे वो अपने आप जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसका बिजनेस का, अगर हम बिजनेस एंटरप्राइज की बात करें, तो उसको वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव दियर मार्केट शेयर। इसके थ्रू वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और जो अपना जो मार्केट शेयर है वो भी इम्प्रूव होगा, और जो उनकी प्रोस्पेरिटी है और एक्सपेंड जो है उनकी ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव हो पाएंगे ना। ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग ही ये पॉइंट क्या फॉलो हो रहा है। तो प्लान पॉलिसीज पढ़ा कि स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, पता है जैसे इसका ही एग्जांपल अभी ऊपर देखा हमने कि जो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि जो टूरिस्ट का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है टूरिस्ट इंडस्ट्री का, तो इसी से रिलेट करता हुआ ये भी पॉइंट है कि अगर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है तो उसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है अपने आप अप जाएगी ना, अगर वो प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है उस चीज़ से रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी तैयार कर, ठीक है। तो इससे पहले जो बेटा पॉइंट्स पढ़े हमने कि जो वो असेंबल कर पा रहा है अपने प्रॉपर रिसोर्सेज को, जो चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो पा रहा है, तो इससे अपने आप क्या होगा, ये पॉइंट अपने आप फॉलो होगा कि इम्प्रूव कर पाएगा वो अपना परफॉर्मेंस लेवल,
ठीक है बेटा, जितना आपको कराया है हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी है अच्छी तरह से, अपना जो है ये आप अपना एक बार टॉपिक पढ़ें, ठीक है, थैंक यू।